टाटा मोटर की मोटर बंद, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों टाटा मोटर के बारे में, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो आप एग्ज़िट भी कर सकते हो। दोस्तों टाटा मोटर का प्राइस अभी तो देख रहे हैं 161 रुपीज़ चला है। दोस्तों इसका जो प्राइस है वो डिक्रीज़ होने वाला है, और बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि देखो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ दोस्तों, जब टाटा मोटर का प्राइस इंक्रीज़ होने वाला होता था तब भी मैं आपको बता दिया करता था, आज डिक्रीज़ होने वाला है इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। तो जिनके पास है बेच दो भाई, ऐसे स्टॉक में ना रहो तो ही बेटर है, ठीक है। ऐसे स्टॉक से दूरी बनाए रखो तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा भाई, निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, ठीक है। यहाँ पर देख लो मैं 5 ईयर का चार्ट दिखा रहा हूँ आप लोगों को, मैं अभी भी बोलता हूँ ऐसे स्टॉक में आपको नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर 5 साल का चार्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, 600 का हाईएस्ट मारा था टाटा मोटर, लेकिन 600 का हाईएस्ट मारने के बाद जब ये गिरना स्टार्ट किया तो दोस्तों 160 रुपीज़ हो गया। बताइए इसमें ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लीजिए कि कंपनी में कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है, जैसे यस बैंक में था, DHFL में था, ऐसे ऐसे कंपनी में क्या था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, लेकिन दोस्तों टाटा मोटर जैसे कंपनी में एक ही प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि जब तक एक बेटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं निकल जाता दोस्तों, आगे नहीं जाने वाला ऐसा कंपनी, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये जब थोड़ा नीचे आया था, नीचे आने के बाद एक ही बार बाउंस बैक मारा, ठीक है। जब यहाँ देखिए आ गया था 300 के रेंज में, 300 के रेंज से भी नीचे आ गया था 280 के रेंज में, उसके बाद दोस्तों जब ये स्टॉक मारा 600, जब पैसा डबल हुआ तो लोग बहुत ज़्यादा जो है टाटा मोटर को खरीदना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद जब ये गिरना स्टार्ट किया तो दोस्तों सब लोगों की उम्मीद पे पानी फिर गया, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि बेटर है कि आप ऐसे स्टॉक से थोड़ा दूर तो ज़रूर रहें। और दोस्तों सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि जो पैसेंजर व्हीकल है उसके सेल्स में डिक्रीज़ आ जा रहा है, और जिस कंपनी का प्रोडक्ट ही अगर डिक्रीज़ हो जाता है, सेल्स जो है डिक्रीज़ हो जाता है, तो ऑटोमेटिक जो है वो उसका कंपनी का प्राइस भी धीरे धीरे डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ दिन पहले ये न्यूज़ में आपको बताया गया था कि बैड न्यूज़ फॉर ऑटो सेक्टर, ठीक है। किसके लिए था? ऑटो सेक्टर के लिए। यहाँ देख सकते हैं पैसेंजर व्हीकल सेल्स डिक्लाइन, मतलब कि दोस्तों पैसेंजर का जो व्हीकल्स है वो सेल्स में डिक्लाइन आ गया, वो क्या था? प्रोडक्ट था, ठीक है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इंडिया का कार इंडस्ट्री में क्यों जो है ब्रेक डाउन हो रहा है दोस्तों, तो ये क्या है, ये आपको ये इंडिकेट करना चाहता है कि जितने भी पैसेंजर व्हीकल्स है वो बहुत ज़्यादा, अगर आप रोड पे निकल जाओ तो आपको रोड क्रॉस करने के लिए टाइम लग जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक बेटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो जब तक बेटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं आएगा दोस्तों तब तक कुछ नहीं आने वाला। देखिए जितने लोग नहीं उतने गाड़ी है, ठीक है, देख सकते हैं। तो मैं बोलूँगा ठीक है, थोड़ा सा ऑटो सेक्टर से अगर आपको पैसा लगाना है तो कोई अच्छे अच्छे कंपनी में लगाओ जो बड़े बड़े हैं, ठीक है। ऐसे कंपनी में क्या है कि आप अगर 4 साल 5 साल भी पैसा रखते हो तो टाटा मोटर में अगर आपको पैसा नहीं निकलेगा तो क्या फ़ायदा है, इससे बेटर है ना कि आप बैंक में डाल दीजिए, फिक्स डिपॉजिट करोगे तो कुछ तो मिल जाएगा, नथिंग इज़ बेटर देन समथिंग, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों आप यहाँ अगर डालोगे तो इससे अच्छा कि बैंक में डाल दो, यहाँ पर आपको कुछ नुकसान हो जाएगा लेकिन बैंक में आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो ही जाएगा, ठीक है। तो अगर आप और सेक्टर में डालना चाहते हो तो मैं बोलूँगा नहीं दोस्तों थोड़ा सा, और यहाँ पर देख सकते हैं 36% जो है मारुति सुजुकी का जो है सेल्स में डिक्रीज़ आया। तो ये सब क्या है दोस्तों? ऑटो सेक्टर में मंदी है, ठीक है। तो आया था मंदी, थोड़ा बहुत अभी बाउंस बैक ले रहा है, लेकिन टाइम लगेगा जब तक एक अच्छा सिस्टम नहीं निकाल देते, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जिसमें आपको बताया जाएगा फिर से कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है।